हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो का सेकेंड एपिसोड करेंगे। अगर आप फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। तो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जस्ट स्केचिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे आप एक पोर्ट्रेट में अच्छे से स्केच कर सकते हो, और हम लोग ये भी देखेंगे कि एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको लाइट ग्राफाइट पेंसिल से अच्छे से आपको शेडिंग देना है। उसके बाद मेकअप ब्रश की मदद से आपको अच्छे से ब्लेंडिंग भी करना है। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग सेकेंड लेयर की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड लेयर में जितने भी डार्क पोर्शन है उनको हम धीरे धीरे ऐड करना शुरू करेंगे। मैं हमेशा एक चीज़ सभी को बोलता हूँ कि जब भी आप कोई भी फोटो देख के ड्रॉ या स्केच करोगे तो सबसे पहले आप फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करो, देन ड्रॉ या शेडिंग देना स्टार्ट करो। जितना अच्छा आप ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा आप शेडिंग या ड्राइंग कर पाओगे। तो ये चीज़ हमेशा आपको याद में रखना है। और एक चीज़ हमेशा आप याद में रखना, किसी का भी एक बार में अच्छा नहीं बनता है, आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपका परफेक्शन आना शुरू होगा और आप हर चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। तो प्रैक्टिस हमेशा करना। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब भी आप शेडिंग करना शुरू करोगे तो आपको कुछ चीज़ को अच्छे से फॉलो करना है, जैसे हाईलाइट पोर्शन, मिड टोन एंड शैडो पार्ट। जब भी ये तीनों चीज़ जितना अच्छे से आप करोगे उतना अच्छे से आप एक पोर्ट्रेट को रियलिस्टिक दिखा पाओगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके अपने पोर्ट्रेट के ऊपर अप्लाई करना है। और ऐसे टिप्स और भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर।